ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद जप पाद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचै सोच न होवई जे सोची लखवार चुपै चुप न होवई जे लाए रहा लिवतार बुखया बुख न उतरी जे बन्ना पुरिया भार सह स्याण पा लखोए ता एक न चले नाल क्यों सचियारा होए क्यों कूड़े टुटे पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। आद श्री गुरु नानक देव जी महाराज दी आद बाणी दा नाम जप है। गुरु नानक देव जी महाराज दी सारी विचारधारा जप दे आले दुआले परिक्रमा करदी। ईश्वर प्राप्ति दा मुख साधन गुरु बाबे ने जप ही दसया। जपो ता एको नामा आवर निराफल कामा। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दी प्रथम बाणी जप है। जप दे उपर मंगलाचरण है। ये मंगलाचरण गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दा भी मंगलाचरण है और जप जी साहिब दा भी मंगलाचरण है। आद काल तो भारत दे ऋषि मुनि जद भी कोई धार्मिक ग्रंथ लिखते सन ता मंगलाचरण लाजमी करते सन। मंगल गायन करना धार्मिक लिखारियां दी दुनिया विच एक मूल परंपरा बन गई। अक्सर मंगल सुरस्ति ते गणेश दा ही कीता जांदा सी। ऐसा ख्याल सी कि सिद्धि दाता गणेश है, बुद्धि दाता सुरस्वती है। मनुख दी मूल मंगा भी ए दो ने, सिद्ध और बुद्ध। सिद्धि दे जगत दे सारे पदार्थ आ जांदे ने, बुद्ध दे ब्रह्मंड दा सारा ज्ञान आ जांदा है। पदार्थ दी भुख शरीर दी है, ज्ञान दी भुख मन दी है, जमीर दी है। ए चीज क्यों है, किथों है, इदा आद की है, इदा मध की है, इदा अंत की है, हर वस्तु नू जानन दी ए तीबर भुख मनुख दे अंदर मौजूद है। ए बौद्धक भुख है। मनुख सब कुछ प्राप्त ही नहीं करना चाहता बल्कि सब कुछ जानना भी चाहता। जदों किसी वस्तु नू किसी हस्ती नू पूर्ण रूप विच जानना चाहता है ते जद जानकारी उसनू मिलदी ने तां उह इस तरह बेचैन हो जाता है जैसे भुखे नू रोटी ना मिले और उस वक्त ही उसनू तृप्ति मिलती है जद उसनू पूर्ण तौर ते जानकारी मिल जाए, उहदे सवालां दा जवाब मिल जाए। तो आद काल तो मंगल गायन होंदे रहे सुरस्ति दे गणेश दे और ये कल्पना बड़ी प्रबल रूप दे धार्मिक दुनिया दी छाई रही कि सिद्धि दाता गणेश है, बुद्धि दाता सुरस्वती है। सिलसिलावार धार्मिक रहबरी पुरुषां दी श्रृंखला दे साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दा आगमन होया। आपने उस परंपरा तो वक्ख होके जो मंगल गायन कीता है वो करते दा कृत दा ने और साहिबां दी यह धारणा कि सिद्ध और बुद्ध परमात्मा तो बिना होर किसे तो भी प्राप्त नहीं हो सकते। अगर सिद्ध ते बुद्ध
एक ईश्वर तो बिना भी किसी होर तो प्राप्त हो सकती है तो ईश्वर की पूजा की कोई लोड़ ही नहीं रह जाती, उसकी प्रस्तिश की कोई लोड़ ही नहीं रह जाती, क्योंकि मनुख की मूल मंगा ही यही दो ने, सिद्ध और बुद्ध। तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने जो मंगल गायन किया ये गुरमत विच मूल मंत्र मनिया जाता है, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का मंगलाचरण और जब जी साहब का मंगलाचरण, ये मंगल एक तो शुरू होता है। एक सिद्धि एक तो मिलती है, बुद्ध एक तो मिलती है, उत्पत्ति एक तो है, पालना एक तो है, नाश एक तो है, जगत दी मूल सता एक है और सारी अनेकता उस एक दे आसरे ते खड़ी है, सारी अनेकता उस एक दे चों पैदा होंदी है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जद विस्माद मंडल दे च गए ने, जद एक रूप होए ने, ता आप दी रसना तो वाक भी एक निकले, एक ओंकार, वो एक है और वो ओंकार है, भाव उस तो ही उत्पत्ति हो रही है, पालना हो रही है, नाश हो रही है। ओंकार तीन शब्दों का जोड़ है, अकार उकार मकार, उत्पत्ति करने वाला, पालना करने वाला, नाश करने वाला, ये सारी क्रिया एक तो हो रही है। वो जो एक ओंकार है, साहिब कहते वो सत्य है, सदैव है, हमेशा, और वो जो सत स्वरूप है वो हस्ती वाला है, उदा नाम है। जैसे असी कह देने फलाने दा नाम बहुत वड्डा हो गया, फलाने दा नाम आसमान ते चढ़ गया, मतलब है उदी हस्ती बहुत हो गई, उदी समर्था वध गई है, उदी ताकत वध गई है। वो जो एक है जिस तो उत्पत्ति पालना ते नाश हो रहा है, वो सत स्वरूप है, हस्ती वाला है, नामने वाला है। वो जिस दी हस्ती है वो फिर कृत नहीं है, करता है, और जो करता है ऐसा करता है कि अपनी कृत दे च पूरे है, वो केवल करता नहीं, वो करता पुरख है। कुमार ने घड़े बनाए, कुमार अपने घर बैठा है, घड़े किसे होर दे घर में। मुसव्वर ने तस्वीर बनाई है, मुसव्वर अपने घर दे च है, तस्वीर किसे होर घर दे च लटकी हुई है। ठठियार ने भांडे बनाए ने पित्तल दे, वो अपने घर दे च बैठा है, भांडे किसे होर दे घर दे च है। परमात्मा ऐसा करता नहीं है कि उदी कृत उस तो वक्ख हो गए, नहीं, उसने जो कुछ भी बनाया है अपनी बनतर दे च बैठ गया है, चाहे वह रेत का जर्रा है, चाहे वह सूरज की किरण है, चाहे फुलां की सुंदरता है, चाहे बदलां की गर्जन है, चाहे सागर दियां लहरां ने, चाहे कीड़ी है, चाहे हाथी है, जो भी उसकी कृत है ब्रह्मंड के जर्रे जर्रे विच, वह व्यापक है, पूरिया होया, पुरख दे अखरी अर्थ भी यही ने, पुरी पुरी बसंता सपुरखा, जो पुरियां पुरियां दे च रमिया होया वो पुरख, वो ऐसा करता पुरख है जिदा स्वभाव है कि भय तो रहत, निर्भव निर्वैर। बड़े मूल औगण ने किसे दा वैर हिरदे च रखना, किसे दा भय हिरदे च रखना, इस तरह के मनुख नू नरक देच जान दी लोड़ ने, जो भय देच जी रहा है, वैर देच जी रहा है। कई दफा असी देखते हैं दुश्मन नहीं चंगा लगता, पर दुश्मनी नू हिरदे च धारण किया, जब दुश्मन नहीं चंगा तो फिर दुश्मनी नू भी बाहर कढ़ी है, जे दुश्मन भैड़ा है तो फिर दुश्मनी भी भैड़ी है। वो जो करता पुरख है भय तो रहत है, और उसका भय तो रहत होना उंज भी सुभावक है, क्योंकि उस तो वड्डा ही कोई नहीं, और अक्सर भय वड्डे दा होंदा है, वैर शरीका नाल होंदा है। तिसका शरीक को नाही ना को कंटक वैराग,
ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਵੈਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਅਕਾਲ। ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਮਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਮੁਸਤਕਬਿਲ ਨਹੀਂ। ਭੂਤਕਾਲ ਤੇ ਭਵਿਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਭੂਤਕਾਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਮੁਸਤਕਬਿਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭਵਿਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਭੂਤਕਾਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਵਰਤਮਾਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਸੋ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤ੍ਰੈਕਾਲ ਦਰਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਿੰਨ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦ ਤਿੰਨ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤ੍ਰੈਕਾਲ ਦਰਸੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਅਕਾਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਂਝ ਵੀ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਮੈਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਾਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਲ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਕਹਿ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੇ ਇੰਜ ਲੰਘ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਲ ਲੰਘਿਆ, ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਤੇ ਇੰਜ ਲੰਘ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਘੜੀ ਲੰਘੀ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵਿਪਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਹਿ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਤੇ ਪਹਾੜ ਬਣ ਗਈ, ਅਬੋਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੇ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਬਣ ਗਿਆ, ਲੰਘਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੁੱਖ ਚਾਹੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਂ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਐਸਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਚਾਰ ਪਹਿਰ ਚੌ ਜੁਗੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਭਈ ਤਬ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਦਿਨ ਦੇ ਚਾਰ ਪਹਿਰ ਮਾਨੋ ਚਾਰ ਯੁੱਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਲੰਘਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਰਾਤ ਕਿਤਨੀ ਲੰਬੀ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਕਥਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ, ਇਹ ਤੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਨ ਸੋ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ, ਬੇਦ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਤਹਾਂ ਵਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰਾ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਨਰ ਤਿਸੇ ਧਿਆਵੋ, ਬਾਵਰਿਆ ਸੰਸਾਰਾ। ਉੱਥੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬੋਧ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ। ਜਦ ਚੰਦਰਮਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ ਰਾਤ ਹੈ, ਜਦ ਸੂਰਜ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ ਦਿਨ ਹੈ। ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਬੋਧ ਤਾਰਿਆਂ ਕਰਕੇ, ਸੂਰਜ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਦਿਨ ਸੋ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਸਮਾਂ ਖੋ ਗਿਆ, ਅਕਾਲ। ਤੋ ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਜ਼ੀ ਮੁਸਤਕਬਿਲ ਨੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਸੋ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਤੋ ਕਿਧਰੇ ਐਸਾ ਹੀ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਏ ਉਹ ਇੱਕ ਕਲਪਨਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੂਰਤ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ, ਉਹਦਾ ਵਜੂਦ ਹੈ। ਪਰ ਵਜੂਦ ਤੋਂ ਕਿਧਰੇ ਐਸਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹ ਘੜਿਆ ਗਿਆ, ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਨਮਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੋ ਇਕਦਮ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਜਾਉਣੀ, ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੂਰਤ ਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਅਜਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਨਮ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ। ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਅਜਨਮ ਹੈ, ਜਨਮ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਹਸਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਤੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੈਭੰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਨੇ, ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਆਪ ਹੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾ, ਦੋਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀਏ, ਕਰ ਆਸਣ ਡਿੱਠੋ ਚਾਹ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਜਨਾ ਆਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬਣਤਰ ਆਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਲਾਓ ਵਿਸਤਾਰ ਆਪ ਕੀਤਾ ਹੈ,
और आप ही अपने आप नु सुकेड़ लेंदा। जब उद करख करा कर तारा, प्रजा धरत तब दे अपारा, जब आकर्ख कर तो हूं कब हूं, तो मैं मिलत देह धर सब सैभंग। वो अपने आप तो आप ही प्रकाशमान है। ऐसा जिड़ा परिपूर्ण परमात्मा है गुर, वो रोशनी है, वो चानना है, वो ज्ञान है, ज्ञानदाता है, गुरु है। ऐसा जो परमात्मा है, जो गुरु है, आदि गुरु केवल परमात्मा है और कोई गुरु नहीं। आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। अपरम पर पार ब्रह्म परमेश्वर, नानक गुरु मिलिया सोई जियो। कीड़े मकोड़िया नु भी जीवन चर्या दा ज्ञान परिपूर्ण परमात्मा ने दे रखा है। बच्चियां दी पैदाइश किवें होंदी है, इन्हां दी पालना किवें करी दी है, ते पंछियां नु पता है, चौपाए जानवरां नु पता है। किसी स्कूल दे चो पढ़न नहीं जांदे, कोई किताबां उन्होंने नहीं पढ़िया, कोई ज्ञान उन्होंने नहीं देंदा, लेकिन सारे दा सारा बोध उन्होंने अंदर मौजूद है। इत्थों स्पष्ट हो गई कि सारे जीवां दा प्रेरणदायक केवल परमात्मा, ज्ञानदायक केवल ईश्वर है। जितने सुंदर घोंसले कई दफा पंछी बना लेंदे ने, कोई मनुख इस ढंग दी सोहनी बुणतर नहीं बना सकदा। तो ज्ञान है, तो इस सारे दा सारा ज्ञान देण वाला परमात्मा है, ते ज्ञान देण दे नाते उही परमात्मा गुरु है। आप कहंदे ने गुरु, और वो जो गुरु है प्रसाद दया दी मूर्ति, दयालु है, कृपालु है, दया दा घर है। ये जपजी साहब दा मंगल है, ये गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दा मंगल है। अगे शब्द है जप, जप बाणी दा नाम है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज विच जितनियां बाणियां आईयां ने, बकायदा उन्हां दे नाम ने, सुखमनी, रहरास, सोहिला, और इसे तरीके नाल चौबोले, फुने छंद, भटां दे सोईये, संस्कृति, सलोक, इत्यादक वारां वख वख बकायदा बाणियां दे नाम ने। तो सब तो प्रथम पहली जड़ी बाणी है, इहदा नाम है जप। जप साहब दे दो सलोक ने, 38 पौड़ियां ने। पहला सलोक उपकर्म है, अखीरला श्लोक उपसंगार है। प्रथम श्लोक आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। अखीरला श्लोक उपसंगार, पौन गुरु पाणी पिता माता धरत महत। दो श्लोकां दे विचकार 38 पौड़ियां ने, और ये 38 पौड़ियां परमात्मा तक पहुंचण दा एक वसीला साहिब गुरु नानक देव जी महाराज ने जगत नूं बख्शिश कीता। पहले श्लोक दे च आप फरमान करदे ने, क्योंकि बाणी दा नाम है जप, तो जप किस दा करना है ये दसदे ने, किस दा जप करना है। आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। आद सच जो अनादि, जिदा आद लभया नहीं जा सकता, और उस वक्त भी एक कायम दायम से, अजे जुगां दा आरंभ नहीं होया से, उस वक्त भी यह सच मौजूद से, हुण भी है और अगां भी यही सच होवेगा। सदैवी है, हमेशा है, इसे ही जप करना है। इस सत तक पहुंचने वास्ते, उस आद सच तक पहुंचने वास्ते, जुगाद सच तक पहुंचने वास्ते, जगत विच वख वख साधन जुटाए गए। जैसे धन कमाण दे कई तरीके ने, धर्म कमाण दे भी कई तरीके ने। जैसे भूख मिटाण वास्ते कई प्रकार का भोजन है, साडे देश विच तरह तरह के अन्न खादे जांदे ने। महाराष्ट्र के लोग ज्वारी खा के गुजारा कर लेंदे, कोई बाजरा खांदा, कोई कणक खा के अपनी उपजीविका चलांदा है, और ऐसे प्रांत ने जिन्हां दी खुराक केवल चावल है,
ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਗ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੋ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਭੋਜਨ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਹੀ। ਭਜਨ ਦਾ ਢੰਗ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਭਜਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜੋ ਪਿਆਸ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤੜਪ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਐਸਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਦਫਾ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਭੋਜਨ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਚ ਮਨੁੱਖ ਅਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਗਲਤ ਭੋਜਨ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਅਗਿਆਨਵਸ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਸਵੱਛ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਔਰ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਤ੍ਰਿਖਾਵੰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰਨ ਤੇ ਗੰਦਲਾ ਜਲ ਵੀ ਪੀ ਲੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਛ ਸਾਧਨ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਸਨ, ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਥਮ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬਾਧਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸੇ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਏ ਕਿਉਂ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਹੈ ਸੱਚ, ਬਾਧਾ ਕੀ ਹੈ ਕੂੜ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਹੈ ਸੱਤ ਔਰ ਈਸ਼ਵਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬਾਧਾ ਕੀ ਹੈ ਝੂਠ ਅਸੱਤ। ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਅਸੱਤ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਤੋੜਨੀ ਹੈ, ਸੱਤ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੂੜ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਚੋਂ ਕੰਕਰ ਤੇ ਕੌਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈ, ਹੀਰੇ ਰਤਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਛੋੜਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਅਸੱਤ ਇਹ ਕੂੜ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਜੋ ਜੋ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਚੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੂੜ ਦੀ, ਰਸਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਇਹ ਕੂੜ ਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਝੂਠ ਦੀ ਕੰਧ ਢਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੂੜ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰ ਜਾਏਗੀ, ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲ ਯੁਗ ਦੇ ਮਹਾਨ ਰਹਿਬਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਇਸ ਸਾਧਨ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨੇ। ਆਪ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸੋਚੇ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ। ਸੋਚ ਸ਼ਬਦ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਸੋਚ ਕਰੇ ਦਿਨ ਸਰ ਰਾਤ, ਮਨ ਕੀ ਮੈਲ ਨਾ ਤਨ ਤੇ ਰਿਆਤ। ਸੋਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਸੁੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੂੜ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਲ ਕੇ ਮੰਜਨ ਜੇਗਤ ਹੋਵੇ ਨਿਤ ਨਿਤ ਮੈਂਡਕ ਨਾਵੇ ਤੈਸੇ ਮੈਂਡਕ ਤੈਸੇ ਉਹ ਨਰ ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੋਨੀ ਆਵੇ। ਆਪ ਹੋਰ ਇੱਕ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਗੰਗਾ ਤੀਰ ਜੋ ਘਰ ਕਰੇ ਪੀਵੇ ਨਿਰਮਲ ਨੀਰ ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨ ਨਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਇਨ ਕੈ ਰਹਿਮੇ ਕਬੀਰ। ਆਪ ਦੇ ਬੀਚਕ ਨਾਮਕ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਛੰਦ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੰਗ ਨਹਾਏ ਜੋ ਨਰ ਤਰਹੈ, ਮੈਂਡਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤਰਹੈ ਜਿਨਕੇ ਗੰਗਾ ਮੇ ਘਰ ਹੈ। ਸੰਖ ਬਜਾਏ ਜੋ ਨਰ ਤਰਹੈ, ਗਧੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤਰਹੈ ਜਿਨਕੇ ਸੰਖ ਜੈਸੇ ਸੁਰ ਹੈ। ਜੱਟ ਬੜਾਏ ਜੋ ਨਰ ਤਰਹੈ, ਮੋਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤਰਹੈ ਜਿਨਕੇ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਪਰ ਹੈ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨੋਰੇ ਸੰਤੋ ਵਹੀ ਨਰ ਤਰਹੈ
जिनके हिरदे में हर है। इस तरह के महापुरुष परंपरावादी नहीं होंगे, सत्यवादी होंगे। सत्यवादियों का परंपरावादियों का हमेशा घोल रहे। सत्यवादी भी दो तरह के रहे ने, सच जान लिया कहना नहीं। क्यों नहीं कहना? क्योंकि कहांगे तो जगत विरोधता दिच खड़ा होगा, आखांगे संसार सहमत नहीं होगा। दूसरे सत्यवादी यो ने सच जाने है, सच कहना भी है ताकि जगत दी झोली च पै सके। सोचै सोच न हो वही जे सोची लख वार। इस तरह का इशनान एक दफा नहीं, जे लखां दफा भी किया जाए तां भी पवित्रता नसीब नहीं होगी, तां भी कूड़ दी पाल नहीं टुटेगी। और अक्सर ते ऐसा देखा गया कि दुनिया के बहुत वड्डे वड्डे ठग तीर्थां दे कंडे ही मिलते हैं। बनारस साढ़े देश का मुख तीर्थ, सब तो वड्डा तीर्थ, लेकिन हैरानगी दी गल इस देश दे ठग भी बनारस दे ही मशहूर ने। कबीर जैसे संत नु भी कहना पिया ए हर के संत ना आखिए बनारस के ठग। तो इशनान करन दे नाल चाहे कैसी भी नदी क्यों ना होवे, ये ठीक है कि कुछ पानी इस ढंग नाल पवित्र हो सकता है कि उस शरीर वास्ते मुफीद होवे, शरीर दे अनेकां रोगां नु कट्टण दे समर्थ होवे। पानी इस तरह ते वो देवता भी है, प्रभु दी दित्ती हुई शक्ति है। लेकिन यह समझ लिया जाए कि जल दे इशनान करन नाल ही प्रभु दी प्राप्ति है तो साहिब गुरु नानक देव जी महाराज इस नाल सहमत ने। इस वास्ते गुरमत ने जिथे जिथे तीर्थ बनाए जल दे नाल नाल पानी दे नाल नाल बाणी दा प्रकाश रखिया। जोर दिता इस गल ते कि तू केवल पानी दा इशनान ही नहीं करना, बाणी दा इशनान करना है। और पानी भी ओही पवित्र है जिसका बाणी नाल संबंध होवे, जप नाल संबंध होवे, तप नाल संबंध होवे, भजन नाल संबंध होवे। उस तरह दे पानी दा इशनान वक्ती तौर ते कुछ सुख शांति ते दे सकदा है। केड़े पानी? जिहड़ा पानी बाणी नाल जुड़े होया, जिहड़ा पानी जप तप भजन नाल जुड़े होया है। पर केवल पानी दे इशनान नू प्रभु प्राप्ति दा वसीला समझ लेना। जगत गुरु बाबा कहंदे ने सोचै सोच ना हो वही जे सोची लखवा। दूसरा तरीका ये अपनाया साढ़े देश दे ऋषि मुनिया ने कि बोलन दे नाल मनुख दी बहुती शक्ति नष्ट हो जांदी है। बोलदे ही मनुख दा मन बहुता खिंडदा है, बोलदे ही कुछ वाक असत निकल जांदे ने, बोलदे ही कुछ बोला नाल किसी दा दिल टुट पैंदा है। तो की करिए? बोलिए ही ना, खामोश रहना है, चुप रहना है। दरअसल इंदिरा हर प्रभु दी दित्ती हुई महान देन है, उदी दित्ती हुई एक महान कला है और उसकी दित्ती हुई एक महान शक्ति। चाहिदा तो यह है इसका सही उपयोग करिए। जैसे जीवन उसने सानू बड़ा कीमती दिता है कि आख दिता जाए मैं इस जीवन की वरतों ही नहीं करनी, जीवन चाहिदा नहीं, इस श्वास मैनू चाहिए नहीं, फिर तो मौत। रसना का गलत इस्तेमाल नहीं करना, सही इस्तेमाल करना है। अखां का गलत इस्तेमाल नहीं करना, सही करना है। कन्ना की गलत वरतों नहीं करनी, सही करनी है। लेकिन कुछ ऐसे भगोड़े सन जिन्हों अपनी जबान देते भरोसा नहीं सी, उन्होंने धारणा यह बना ली चुप ही रहना है क्योंकि बोलन नाल शक्ति नष्ट होती है, बोलन नाल गलत बोलिया जाता है और बोलन की बहुती जी किधरे वादी पै जाए तो फिर खामोश करना भी बड़ा औखा हो जाता है। यह तो ठीक है कि बहुत बोलन दे नाल मन खिंडदा है, गलत बोलन दे नाल मन खिंडदा है, लेकिन इहदा यह मतलब भी नहीं कि ना बोलन नाल कोई मन जुड़ जाता है, पवित्र हो जाता है। बोलिए ही ना कि कूड़ की जिहड़ी कंध है यह टुट जाती है, ऐसा नहीं है।
ਇਹ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਜਵੈ ਮੁਸ਼ਕ ਬਹਿਤਰਜ਼ ਯਕ ਤੋ ਦੈ ਗਿਲ ਕਮ ਆਵਾਜ਼ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਾ ਬੀਨੀ ਖਜਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਘੱਟ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਵੈ ਮੁਸ਼ਕ ਬਹਿਤਰਜ਼ ਯਕ ਤੋ ਦੈ ਗਿਲ, ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਵਾਕ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਐ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਚੋਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੋਦਾ ਕੱਢੇ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਢੇਰ ਕੱਢੇ, ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿਤਨੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਆਖ, ਪਰ ਹੋਵੇ ਮੁਸ਼ਕ ਕਪੂਰ ਵਰਗੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਮਹਿਕ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਸੁਗੰਧੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪ ਐਸਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੁਜਾਖਾ ਹੈ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਐਸਾ ਮੇਰਾ ਬੋਲਣਾ ਉੱਥੇ ਅਜਾਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਿਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਗਰ ਬੀਨਮ ਕੇ ਨਾ ਬੀਨਾ ਉਚਾ ਅਸਤ, ਅਗਰ ਖਾਮੋਸ਼ ਬਸ਼ਨ ਨਸ਼ੀਨਮ ਗੁਨਾ ਅਸਤ। ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਬੀਨ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਧਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੋਂ ਚਾਹ ਹੈ, ਖੂਹ ਹੈ, ਅਗਰ ਖਾਮੋਸ਼ ਬ ਨਸ਼ੀਨਮ ਗੁਨਾਸਤ, ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਮਹਾਪਾਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੇਖਾਂ ਇੱਕ ਸੁਜਾਖਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖੂਹ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟੀ ਜਾਵਾਂ, ਬਈ ਖੂਹ ਹੈ ਖੂਹ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੋਲਣਾ ਅਜਾਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੋਲਣਾ ਵਿਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੋ ਇਹ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਘੱਟ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੁੱਪ ਹੈ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋ ਬਈ ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰ। ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਵੀ ਮਨ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਨ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਬੋਲੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਏ ਬੈਠਾ ਮੌਨੀ, ਅੰਤਰ ਕਲਪ ਭਵਾਈਏ ਜੋਨੀ। ਅੰਦਰ ਤੇ ਕਲਪਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਾਕ, ਨਾਵੇ ਦਾਦਰ ਮੋਨ ਸੁਬ੍ਰਿਛ ਹੈ ਬਾਨਸ ਬੰਦਰ ਬਾਸ ਬਨਾਰੀ। ਅਗਰ ਮੋਨ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਨੇ, ਜਿਤਨੀ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤਮਾਮ ਦੇ ਤਮਾਮ ਮੋਨੀ ਨੇ, ਖਾਮੋਸ਼ ਨੇ। ਪੱਥਰ ਵੀ ਮੋਨੀ ਨੇ, ਬਨਸਪਤੀ ਵੀ ਮੋਨੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਵੀ ਮੋਨੀ ਨੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਦੀ ਕੰਧ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀ। ਤੀਸਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਨਪੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਵਾਮ ਮਾਰਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਨ ਜੋ ਕੁਛ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਦਿਓ, ਰੱਜ ਕੇ ਦਿਓ। ਜੋ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੁੰਘਣ ਨੂੰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਗਰਸ ਕੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਰਸ ਮਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਰੱਜ ਕੇ ਦਿਓ। ਇਤਨਾ ਦਿਓ ਕਿ ਮਨ ਰੱਜ ਜਾਵੇ। ਜਦ ਮਨ ਰੱਜੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਤਰਫ ਮੁੜੇਗਾ, ਜਦ ਮਨ ਰੱਜੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫ ਮੁੜੇਗਾ। ਵਾਮ ਮਾਰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿ ਭੁੱਖਿਆ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਭਾਰ। ਇੱਕ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪੁਰੀ ਨਹੀਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਪੁਰੀਆਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਪੰਡਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ। ਮਨ ਤੇ ਕਦੀ ਰੱਜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਸੀਬ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਤੇ ਮੂਲ ਧਾਰਨਾ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੋ ਵਾਮ ਮਾਰਗੀਆਂ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੁਰਾਚਾਰ ਦੇ ਅੱਡੇ ਬਣ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਲਿੰਗ ਪੂਜੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਪੱਗ ਪੂਜੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ।
दुराचार दे अड्डे जद मंदर बने और पिछोकड़ विचारधारा ए कम कर रही सी। मन नू रजान है, जो खान नू मंगे देओ, जो भोगन नू मंगे देओ। तो इना भोगां दे चलीन होके मनुख भोगी ते बन गया, योगी बनना सुपना हो। धार्मिक मंदिर अधर्म दे अड्डे बन गए, पाप वासना दे अड्डे बन गए, दुराचार दे अड्डे बन गए। और आज भी जद इस तरह दे अस्थान देखन नु मिलदे ने और पुरानी विचारधारा पढ़न नु मिलदी है, तो अफसोस नाल कहना पैंदा कि कितना गलत सोचया गया कि मन जद रजेगा ते फिर बंदगी करांगे। मन दा ए ज्ञान किसे कोल नहीं सी ते मन ते कदी रजदा ही नहीं। समुची पुरियां दे बन के पदार्थ भार दे दिते जां तां वी मन भुखे दा भुखा रहिंदा। तो जगत गुरु बाबा कहिंदे ने, भुखे आ भुखे ना उतरे जे बन्ना पुरियां भार। साहिब कहिंदे ने, रूपी भुख ना उतरे जां दे खां तां भुख, नानक सच्चे नाम बिन किसे ना लुथी भुख। हकीकत सचाई के मनुख दे अंदर भुख धन दी है, प्यास रूप दी है। ना रूप दी प्यास मिटदी है, ना धन दी भुख मिटदी है। जिस तरह शरीर जिंदा है भोजन करके पानी करके, केवल पानी दे दई है ते भोजन ना दे है गल नहीं बनेगी। केवल भोजन दे दई है पानी ना दे है तां वी शरीर दे तल ते व्याकुलता बनी रहेगी। एक प्यासा बंदा होवे, त्रिखावंत होवे, रोम रोम उसका त्रिहाया होवे, 36 प्रकार का भोजन उसके अगों रख लईए बेमैनी है। उन्हें पानी चाहिए, ठंडा जल चाहिए। एक चार दिन का भुखा है, बैबल है, रोटी नहीं मिली, तो इस तरह के बंदे दे अगों भरे हुए ठंडे पानी के गिलास रख दईए कोई मैने नहीं रख। प्यासे नूं पानी देना है, भुखे नूं अन्न देना है। तो शरीर दी जो भुख है वो अन्न ते पानी दी है, वो भोजन ते जल दी है। मन दी जो भुख है वो रूप ते धन दी है। प्यास रूप दी है, देखना ही चाहता है, रजदा ही नहीं। और भुख धन दी है, प्राप्त करना ही चाहता है, होर प्राप्त करना चाहता है। सहस खटे लख को उठ धावे, तृप्त ना आवे माया पाछे पावे। तृप्ति नसीब नहीं होती। जिस तरह देखण दे चाया है कि तन दी तृप्ति बहुत छेती हो सकती है, दो रोटियां नाल नहीं हुई ते चार रोटियां नाल भुख मिट गई, एक गिलास पानी नाल प्यास नहीं मिटी तो दो गिलास नाल मिट गई। ये जो धन दी भुख है, ये रूप दी जो प्यास है, ये असीम है, अज तक नहीं ना पी जा सकी। जन्म तो लेके मरदे दम तक रूप दी प्यास बनी रहती है, धन दी भुख बनी रहती है। और मनुख मर जाता है इसे ही रूप दी प्यास दे, इसे ही धन दी भुख दे। तो साहब कहिंदे ने, रूपी भुख ना उतरे जां दे खां तां भुख। तो सुंदरता नु वेख, रूप नु वेख, जितना वेखेगा उतनी प्यास वधेगी, तो प्यास मिटनी नहीं। तू धन नु प्राप्त कर, जितना प्राप्त करेगा उतनी भुख वधेगी, घटनी कोई नहीं। इस वास्ते साहिब कहिंदे ने, धारणा ही गलत है कि जद मन रजेगा ते फिर प्रभु बंदगी करांगे, जद मन रजेगा फिर प्रभु दी प्रस्तुति करांगे। साहिब कहिंदे ने, ये ते सोचना ही गलत है, भुखया भुख ना उतरी जे बन्ना पुरियां भार। अनेकां पुरियां दे पदार्थ, पंडां दियां पंडां, ढेरां दे ढेर जे दे दईए तां वी भुखे मन दी भुख नहीं उतरदी, मन भुखे दा भुखा रहिंदा। कुछ अजीम लोकां ने एक होर साधना नूं जन्म दित्ता, इहदे नाल कूड दी मैल उतर सकदी है, इहदे नाल झूठ दी कंध टुट सकदी है, सच दी प्राप्ति हो सकदी। ओ की सी? बई मनुख विद्वान बने,
आलम बने, दार्शनिक बने, विचारक बने। जैसे जैसे ज्ञान संग्रह करेगा, जैसे जैसे ये अजीम विचारक बनेगा, दार्शनिक बनेगा, फिलोसोफर बनेगा, पढ़ा लिखा होवेगा, आलम बनेगा, वैसे वैसे कूड़ दी कंध टूटेगी, वैसे वैसे मन दे तो झूठ दी मैल उतरेगी। देखण विच आया कि यह साधना भी कोई सफल नहीं हुई, तो जगत गुरु बाबा इस नाल सहमत भी नहीं हुए, क्योंकि जानना कुछ होर गल है, पावना कुछ होर गल है। जानन नाल ते इतना ही मनुख नूं पता चलता है कि मैं कुछ भी नहीं जाना। जैसे कि उस्ताद ज़ौक कहते ने, हम जानते थे कि इलम से कुछ जानेंगे, पर जाना तो ये जाना कि ना जाना कुछ भी, मैं कुछ भी नहीं जाने। एथन का प्रसिद्ध संत सुकरात अपनी एक लिखत दे कहिंदा है कि जब मैं बच्चा सी तो बच्चियां दे च बैठ के मैं दावा करदा सी, मैं सब कुछ जानदा, सब कुछ जानदा। जब मैं जवान होया तो मैनू कहना पिया कुछ ऐसा भी है जो मैं नहीं जानता, मैनू नहीं पता। और कहिंदा अज मैं बुढ़ा होके दावे नाल कहना कि मैं कुछ भी नहीं जानता, मैनू कोई बोध नहीं, मैनू कख भी नहीं पता। बुजुर्गी मनुख की इथों शुरू होंगी। और हकीकत है कि जिथे संसार का सारा इलम खत्म होता है, रब की दुनिया उत्थों शुरू होंगी, परमात्मा की दुनिया उत्थों शुरू होंगी है। और ऐसा देखण दे चाया कि इस 20वीं सदी दे चे इलम जितना विकसित होया है, ज्ञान दे जितने साधन अज जुटाए ने मनुख ने, ये पहले नहीं सन। अज जितने स्कूल ने, अज जितने कॉलेज ने, अज जितनियां वड़ियां वड़ियां यूनिवर्सिटियां जमीन देते बनिया हुई ने, अज जितने विद्या प्राप्ति दे साधन मौजूद ने, पहले नहीं सन। लेकिन यह भी हकीकत है कि अज का मनुख जितना मूड है, पहले नहीं सी। इंज कहिए कि 100-200 साल पिछे चले जाइए तो अनपढ़ सियाणियां की तादाद बहुत ज्यादा सी, अजो के समय विच पढ़े लिखे मूर्खां की तादाद बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। ते मूड़ किसनूं कहिंदे ने? जगत गुरु बाबा कहिंदे ने, पढ़िया मूर्ख आखिए जित लभ लोभ अहंकार। जिस पढ़ाई नाल अहंकार वध गया, लोभ वध गया, तृष्णा वध गई, झूठ वध गया, वो पढ़ाई पढ़ाई ते नहीं, वो पढ़ाई ऐसी है कि किसी ने दीवा जलाया है और दीवे नाल ही अपना घर साड़े है, दीवे नाल ही अपने घर नू अग लाई है। जाने है कि जानकारी नाल ही अहंकार वध गया, जाने है जानकारी नाल ही लोभ वध गया। और अज समुची दुनिया विच बड़े बड़े वड्डे दुराचार दे अड्डे जानकार लोग चला रहे हैं, पढ़े लिखे लोग चला रहे हैं, क्योंकि बहुत वड्डी पढ़ाई होवे, बहुत वड्डी सियाणप होवे, तां ही मनुख बहुत वड्डा अनर्थ कर सकता है, वरना नहीं कर सकता। तो अजोकी विद्या ने मनुख नूं हंकारी बना दिता है, लोभी बना दिता है, दुराचारी बना दिता है। इस वास्ते साहिब कहिंदे ने, पढ़िया मूर्ख आखिए जित लब लो अहंकार। तो जानना कुछ होर है, पावना कुछ होर है, एक भूल हो गई साडे देश दे अजीम चिंतकां कोलो, जिन्होंने कह दिता जानना ही इलम दी प्राप्ति ही, ज्ञान दी प्राप्ति ही परमात्मा दी प्राप्ति है। होया कि चार वेद कंठ हो गए, लेकिन रावण जैसे मूर्ख पैदा हो गए, शास्त्र कंठ हो गए, उपनिषद कंठ हो गए, हंकार दी पंड सिर ते चुप के लोकी इधर उधर घूमन लग पे। शिक्षा दी नूं इत्थे कहना पे कि अगर मनुख पढ़िया है ते उनू अमल दे च नहीं ले आया, तां ओ बंदा उस मेरे खोते दी तरह है जो मेरिया सारिया किताबां चुक के मेरे नाल चलदा है। इलम चंदा के बेशतर फानी,
गर अमल दस्तोनेस नादानी ना मुहक्कक बवद ना दानशमंद चार पाए बरोए किताबे चंद। एक बैल देते एक खोते देते जे ग्रंथां दा अंबार लद लईए वो कोई पंडित हो जांदा। फर्क सिर्फ इतना है कि ये ग्रंथां दा भार खोते दे तन ते लदे है, मनुख अपने दिमाग ते लद लैंदा है। तो दिमाग ते लदन नाल की हुंदा है, सिर दे ते लदन दे नाल की हुंदा है। तो बहुत सारे इत्थे आलमां ने इलम दा भार अपने सिर दे ते चुक लिया। कौन दसे कि जानना हो रहा है पावना हो रहा है। इलम रस्ते दा दीव है, चाहिए वेख ले। लेकिन ऐसा देखने दे चाया है कि मनुख ने किधरों दीवा जुटाया है, किधरों तेल कट्ठा कीता है, किधरों कपास लिया के उसकी वट बनाई है, किधरों उन्हें अग ढूंढी है, दीवा रोशन कीता है और जैसे रोशन कीता अपनी अखा ही बंद कर लिया। 10-15 साल ज्ञान प्राप्ति दे चला देते ते जद ज्ञान प्राप्त होया उन्हों जिंदगी दे कदी वरत्या ही नहीं, कदी वरतों कदी जीवन दे कीती नहीं, दीवा जलान दे समा बर्बाद किया। अगर मनुख ने अपनी अखा बंद कर ली, इलम ओ बर्बाद चला गया, सिखी हुई ओ सारी विद्या व्यर्थ चली गई। अगर जीवन दे परोपकार दा जन्म नहीं होया, साहिब गुरु नानक देव जी महाराज दे वाक, विद्या विचारी तां परोपकार। विद्या दी विचार उसने ताई कीती है जे उसके अंदरों परोपकार का जन्म होया हो, उसके अंदरों नेकियां का जन्म होया हो, उसके अंदरों कोमलता का जन्म होया हो। विद्या प्राप्त करके कठोर हो गया, विद्या प्राप्त करके मुजरम हो गया, तरह तरह के जुर्म इस तो नाजल हो गए ने। तो नहीं, इत पढ़ा लिखा मूर्ख है, इत पढ़िया मूर्ख आखिए जित लभ लोभ अहंकार। तो इलम दे नाल ज्ञान दे नाल भी मन दे उते जमी हुई जो झूठ दी मैल है ये नहीं भुलदी, विचकारे जो कूड़ दी कंध है ये नहीं भुलदी। इस वास्ते जगत गुरु बाबा कहंदे ने कि सह सयाण पा लख होए तां इक ना चले नाल। सयाणप इलम ज्ञान एक तरह का नहीं, हजारां तरह का ही क्यों ना मनुख प्राप्त कर लवे तां भी ज्ञान दी एक गल भी अगे नहीं चलती। मन दी दुनिया विच उहदे नाल मन नहीं पवित्र होंदा, बल्कि ते ऐसा देखिया गया है कि एक अनपढ़ नालों पढ़े लिखे दा मन ज्यादा मलीन है, ज्यादा हंकारी है, ज्यादा अंधकार विच भटक रहा है। भोले भाले अनपढ़ दो मनुख ते आपस विच बहुत छेती सहमत हो जांदे ने, पर पढ़े लिखिया दा आपस दे सहमत होना भी बहुत औखा हो जाता है, तकरार का जन्म हो जाता है, विचार तकरार नो जन्म दे देंदे ने। तो साहिब कहंदे ने सह सयाणपां लख होए तां इक ना चले नाल। अगर सयाणप दे नाल ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तो फिर परमात्मा छोटा है, सयाणप वड्डी है। अगर ज्ञान नाल ही ईश्वर की प्राप्ति हो जाए तो ईश्वर कुछ नहीं है, फिर इलम ही सब कुछ है। इस वास्ते साहिब कहंदे ने इलम प्राप्त करना तो बहुत अच्छी गल है, रस्ते विच दीवा जलाना बहुत अच्छी गल है, पर दीवा इस वास्ते जलाना है कि रस्ते ते चल सकीए, आराम नाल चल सकीए, प्रभु तक पहुंच सकीए। ज्ञान ते इस वास्ते प्राप्त करना है कि जीवन विच कुछ कोमलता दा जन्म होवे, परोपकार दा जन्म होवे, सदाचार दा जन्म होवे, ते मनुख चले भजन करदे होया प्रभु दे तल ते। अगर कोई इलम कोई ज्ञान प्रभु भजन विच बाधा है, भजन करन तो इनकारी कर देवे, वो विद्या नहीं अविद्या है। अजोकी विद्या ने मनुख नु नास्तिक ते बनाया है, आस्तिक नहीं। अजोकी विद्या ने मनुख नु हंकारी ते बनाया है, निर्माण नहीं। अजोकी विद्या ने मनुख नु लोभी ते बनाया है, संतोखी नहीं। इस वास्ते ए विद्या कोई विद्या नहीं जो रस्ते दा पत्थर बन जाए, रस्ते दा रोड़ा बन जाए। विद्या ते ओ जो रस्ते दा चिराग बने, रस्ते दा दीवा बने, रस्ते दा फुल बने, जो रस्ते दा पत्थर बन गई है वह विद्या कोई विद्या नहीं। इस वास्ते सतगुरु की बाणी विच इस तरह के कुछ वाक आउंदे ने, पढ़िए गुणिए नाम सब सुनिए, अनुभव भाव न दरसे लोहा कंचन रिंड होए कैसे, जो पारस न परसे। क्या पढ़िए क्या गुणिए, क्या वेद पुराना सुनिए, पढ़े सुने क्या होई, जो सहज न मिले उसे, हर का नाम न जपस गवारा, क्या सोचे बारंबार।
ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦੀ ਨਿਕੰਮੀ ਸੋਚਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਪਿਆ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਕੰਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਪਿਆ ਕਿ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੀ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਹਰ ਜਸ ਸੁਣੇ ਨਾ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਬਾਤਨ ਹੀ ਅਸਮਾਨ ਗਿਰਾਵੇ, ਐਸੇ ਲੋਕਨ ਸਿਉ ਕਿਆ ਕਹੀਏ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀਏ ਭਗਤ ਤੇ ਬਾਹਜ, ਤਿੰਨ ਤੇ ਸਦਾ ਡਰਾਨੇ ਰਹੀਏ। ਤੋ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਾਧਨ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨ ਨਹੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਹੁੰਦਾ। ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ, ਤੇ ਜਗਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਲਮ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਸਿਆਣਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੂੜ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਦੁੱਲਦੀ, ਝੂਠ ਦੀ ਕੰਧ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਏ, ਕਿਉਂ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਸਚਿਆਰ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਝੂਠ ਦੀ ਕੰਧ ਟੁੱਟੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੋ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਏ, ਕਿਉਂ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ, ਕਿਵੇਂ ਸਚਿਆਰ ਬਣੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਸਤਵਾਦੀ ਬਣੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਸੱਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਸੱਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠ ਦੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਕੂੜ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਉਤਾਰੀਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਹੁਕਮ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ, ਹੁਕਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣਾ, ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮਸਤਕ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਬਸ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੂੜ ਦੀ ਕੰਧ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ, ਉਹ ਹੁਕਮ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਵੇਂਗਾ ਰੋਗੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲੇਗਾ ਮਨ ਖਿੰਡੇਗਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਅਰਥ ਜਾਏਗੀ, ਗਲਤ ਵੇਖੇਗਾ ਰੋਗੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਗਲਤ ਸੋਚੇਗਾ ਮਨ ਕਰਕੇ ਰੋਗੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਗਲਤ ਕਰੇਗਾ ਉਸੇ ਵਕਤ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਵੇਂਗਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਸਿਮਰ ਗੋਬਿੰਦ ਮਨ ਤਨ ਧੁਰ ਲਿਖਿਆ, ਧੁਰ ਦਰਗਾਹੋ, ਤੇਰੇ ਮਸਤਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗੋਬਿੰਦਾ ਸਿਮਰਨ, ਇਹ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਬਿੰਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਮਸਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਔਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤੇ ਰੋਗ ਵਿਆਪਣਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਨੇ।